वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्कृत विभाग के द्वारा समसामयिक समस्याओं के समाधान में वैदिक व्याकरण की उपदेव विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें 9 बिंदुओं पर चर्चा किया गया, जैसे आतंकवाद उन्मूलन के समस्या, वैदिक समाधान व शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्या के समाधान और बिंदुओं पर भी चर्चा किया गया। मुख्य अतिथि राजेंद्र मिश्र संपूर्णानंद पूर्व कुलपति मौजूद रहे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति संरक्षक टीएन सिंह, संयोजक उमा रानी त्रिपाठी, राममूर्ति चतुर्वेदी, सुरेश चंद्र चौबे, डॉक्टर सीमा यादव सहित संगोष्ठी में दर्जनों लोगों ने भाग लिया। वाराणसी से राहुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। का समाधान प्राप्त हो जाता है, चाहे वह टूटते हुए दाम्पत्य की व्यवस्था हो, चाहे वह पारिवारिक कल्याण की व्यवस्था हो, चाहे वह जातीय जो दुर्भेद की भावना है उसकी समस्या हो, चाहे वह आतंकवाद हो, चाहे जिस के प्रति जो उठती हुई अन्य समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं का जितना सुंदर विवेचन और उसका समाधान दिया गया है भेंटों में, उससे बढ़िया और कहीं नहीं मिलता है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि आज ये नारा लोग लगाते हैं जो है नारियों के स्वतंत्रता की, कि भारत में जो है उनके साथ बड़ा अत्याचार हुआ है और उनको बांध करके रखा गया है, तो ये युग जो है ये नारी स्वातंत्र्य का है। और आप जानते हैं पूरे देश में ऐसी महिलाएं भी बहुत सी हैं जो आगे आकर के एक आंदोलन मचा रही हैं, लेकिन जिसने वेद को पढ़ा है वो जानता है कि इस राष्ट्र में नारियों का क्या स्थान था। यदि उसको जो है हमें सूर्या सोम विवाह सूत्र का ये मंत्र याद हो, जहाँ पर जो है विवाहिता वधु को ये आशीर्वाद देते हैं सब लोग मिलकर के कि सम्राज्ञी श्वशुरे भव, सम्राज्ञी श्वश्राम भव, अपने ससुर के ऊपर तुम जो है सम्राज्ञी बनो, सास के ऊपर सम्राज्ञी बनो, देवरों के ऊपर सम्राज्ञी बनो, देवरानियों के ऊपर सम्राज्ञी बनो। तो सम्राज्ञी बनने का आशीर्वाद का मतलब ये नहीं उनको तुम दबा करके रखो उनके ऊपर। बुद्धि को सारथी बुद्धि मन प्रग्रह मयोच है, सारथी जो है वह है बुद्धि। हम लोग इतने लोग बैठे हुए हैं, सबकी बुद्धि एक नहीं है, सबकी अलग अलग है। अब उसमें उसका जो संस्कृत तो संस्कारित है और उसकी बुद्धि जो संस्कारित नहीं है उनमें तमोगुणी तमोगुणी तामसिक बुद्धि हो जाती है। वो मार काट छल कपट में विश्वास रखते हैं और जिनकी बुद्धि ठीक है वो भी अच्छे मार्ग पर चलें। तो इस प्रकार से बुद्धि दो प्रकार की हो गई, दो प्रकार के साथी हो गए, तो इसीलिए आपस में मार्ग पथ भेद हो जाता है। लेकिन उनको हम एक रास्ते पर कैसे लाएं बुद्धि को, उसके लिए गायत्री मंत्र का प्रयोग है। ओम भूर्भुव स्वः शत्रुवर्णं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महात्मा गांधी जी भी कहते थे सबको सन्मति दे भगवान, जियो नहीं गया, हम सबको भगवान सम्मति दें। संस्कृत विभाग में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य विषय है समसामयिक समस्याओं के समाधान में वैदिक वाणी की उपाधि मिलता है। आज वर्तमान समय में समूचा विश्व विविध प्रकार के संकटों से समस्याओं से घिरा हुआ है। कहीं भी किसी भी प्रकार की समाधान की कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है। बुद्धिजीवी मनुष्य भी आज इन समस्याओं के भंवर में घिर कर अपने आप को असहाय अनुभव कर रहा है। ऐसी स्थितियों में वैदिक चिंतन किस प्रकार से उपादेय है, वैदिक ऋषियों का जीवन मूल्य किस प्रकार से आज वर्तमान में इन विविध प्रकार की समस्याओं के समाधान में समर्थ है, इस बात को प्रकाशित करने के लिए अन्य विविध प्रदेशों से काशी के विद्वानों के द्वारा तथा शोध छात्रों के द्वारा विचार मंथन के लिए एक गोष्ठी आयोजित की जा गई है, जिसमें अनेक शोध पत्र वाचन होंगे। वेद वस्तुतः अपौरुषेय हैं, समस्त ज्ञान की राशि है,
अनादिकाल से आज तक जितने भी प्रकार के ज्ञान विज्ञान की विधाएं विकसित हुई हैं, इनका मूल बीज वेद में विद्यमान है। इसलिए वेदों का वेदत्व तो आचार्य सायण ने स्पष्ट किया है, प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु उपायो नुबुध्यते एनम विन्दति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। अर्थात जब लौकिक उपायों से किसी भी प्रकार समस्याओं का समाधान किया जाना संभव नहीं होता, तब अलौकिक रूप में भी क्या समाधान संभव हो सकता है, यह बताना वेद में स्पष्ट किया गया है। अतः वेद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। देखा जाए तो वेदों के लिए प्राचीन विद्वानों ने जो बातें कही हैं और आज वर्तमान में पाश्चात्य विद्वानों तथा भारतीय विद्वानों की एक मत से इस विषय में अनुमति है कि वेद विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, यानी प्रथम आदि दस्तावेज कहलाते हैं वेद। इसलिए मानव जाति के कल्याण के लिए, विश्व के उत्थान के लिए, तमाम समस्याओं के समाधान के लिए, वैदिक ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति के लिए निश्चित रूप से वेद वैदिक वाङ्मय का अनुशीलन किया जाना चाहिए। न केवल अनुशीलन किया जाना चाहिए अपितु वेद में जो मार्ग बताए गए हैं, जो उपाय बताए गए हैं, उन उपायों के अनुपालन के द्वारा भी निश्चित रूप से आज तमाम समस्याओं का समाधान किया जाना संभव है। यही बात बताने के लिए यह संगोष्ठी आयोजित की गई है। मैं प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पूर्व कुलपति रह चुका हूँ और इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो संस्था है साहित्य अकादमी, उसमें संस्कृत भाषा का मैं संयोजक हूँ। तो आज ये जो संगोष्ठी हो रही है वेदों के संदर्भ में है। ये पहले को तो वेद हिंदुओं के धर्म ग्रंथ माने जाते हैं, उसी प्रकार जैसे हम बाइबिल को जो है क्रिश्चियंस का धर्म ग्रंथ मानते हैं और हमारे जो मुस्लिम बंधु हैं उनका धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ माना जाता है। लेकिन वेदों का गहन अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि ये उस प्रकार के धर्म ग्रंथ नहीं हैं जिनके बारे में निश्चितता पूर्वक ये कहा जाए कि किसी एक व्यक्ति विशेष ने इनको उत्पन्न किया। जैसे बाइबिल के बारे में, कुरान के बारे में हम जानते हैं कि उनके जो देवदूत थे, पैगंबर थे, ईसा मसीह या उनके जो रसूलुल्लाह हैं मोहम्मद साहब, इनके ऊपर दैवी आवेश हुआ और उस आवेश में उन्होंने जो ज्ञान प्रकट किया उसको इन धर्म ग्रंथों में निबद्ध किया गया। इस प्रकार की कोई परंपरा हमारे यहाँ नहीं बनी हुई है या कोई इसका ज्ञान नहीं है कि वेद जो है किसी एक व्यक्ति की पसंद से या किसी एक व्यक्ति के चिंतन से ये उत्पन्न हुए हैं। तो हम जो है वेदों को दिव्य ग्रंथ मानते हैं और उसको देवता की वाणी इस रूप में मानते हैं कि उनका आदि और अंत किसी को ज्ञात ही नहीं है। जिस वस्तु का ज्ञात होता है आदि और अंत, वो निश्चित रूप से कहीं कहीं मनुष्य से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन इस दृष्टि से वेद अत्यंत रहस्यमय ग्रंथ माने जाते हैं। अब तक प्रयत्न करता रहा है और तरह तरह से उनको एक मानवीय ग्रंथ सिद्ध करने में लगा रहा है कि वो पौरुषेय है, अपौरुषेय नहीं है। लेकिन सच बात यह है कोई किसी को सफलता इस विषय में नहीं मिली। इस संगोष्ठी का मूल उद्देश्य क्या है? ये इसका उद्देश्य ये है कि वेद, वेद के बारे में जो हमारी भारतीय परंपरा है जिसका कि एक प्रमाण हमको श्रीमद् भागवत में मिलता है, जिसमें भगवान वामन ने स्वयं कहा है कि बलि को समझाते हुए कि हे राजन बलि, ये वेद जो है ये मैं ही हूँ। जिसने वेद को समझ लिया
उसने समझो कि मेरा मुझे समझ लिया, मैं जितना विस्तृत मैं हूँ नवग्रहों के रूप में और सारे जो है दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड के रूप में जितना मैं विद्यमान हूँ वही उतना वेद में ज्ञान के रूप में विस्तार किया गया है। तो वेद को समझ लेने का अर्थ है कि मुझको समझ लेना, परमपिता परमेश्वर को समझ लेना, ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है। तो इस दृष्टि से जो है वेद में संपूर्ण ब्रह्मांड संपूर्ण ईश्वर की विभूतियाँ आ जाती हैं। आज की संगोष्ठी उसी तथ्य को लेकर के आयोजित की गई है कि आज के अपने देश में जो हमारी सामाजिक समस्याएं नई नई पैदा हो रही हैं इनके समाधान का उपाय क्या हम वेद में ढूंढ सकते हैं, और इसका सही उत्तर ये है कि वेद में ही उसका समाधान ढूंढा जा सकता है, क्योंकि वेद में वो ईश्वरीय वाणी होते हुए भी ईश्वर किस रूप में संसार में व्याप्त है, ये सृष्टि के रूप में व्याप्त है, इसका जो है विवेचन वेदों में किया गया है। तो वेद के ज्ञान को प्राप्त कर लेने